तो देखो, तुम लोगों को पैटर्न में बेस लाइन यूज करना सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना अभी स्किप मार देना। तो पैटर्न में बेस लाइन यूज करना बहुत आसान है और इसके इजी इजी ट्रिक बहुत ज़्यादा है, वो आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे भी बता सकता हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखो, यहाँ पे हमारा BPM 100 है और यहाँ पे हमें बेस लाइन यूज करने के लिए अलग अलग से पैटर्न बना सकते हैं। ढोल की लूप्स, अलग सा टपोरी टाइप मिक्स, बहुत सारा हम यूज कर सकते हैं। पर आज देखिए कैसे हम बनाते हैं बेस लाइन। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ और बेस लाइन यूज करने के लिए पहले आपको कुछ ट्रिक्स दे देता हूँ। यहाँ पे ऐड में जाना है। ऐड में जाने के बाद आप FL Studio 20 चला रहे होंगे या फिर कोई भी वर्जन होगा, तो आपको कहीं पे भी हार्मलेस देखने को मिलेगा। हार्मलेस जैसे कि मेरा यहाँ पे है, तो मैंने हार्मलेस ले लिया। अभी इसको क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे, कट कर देंगे। अब हमें एक चाहिए पैटर्न, तो रिसेंट फाइल में जाकर DJ जैसे हम मिक्स करते हैं वैसा एक पैटर्न बना लेता हूँ 2-3 स्टेप में। तो यहाँ पे मेरा किक होगा, ये रहा। किसी और का किक यूज करता हूँ बट खुद ही का बोलना चाहिए, क्योंकि अपने स्टूडियो में यूज जो कर रहे हैं, कौन किसी के बाप में कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना ही हो गया, तो आगे देखेंगे। चलिए ये ढोल ले लेता हूँ। ये ढोल तो यूज नहीं करता हूँ, पर दूसरा लूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, मतलब कि जब तक अच्छे से हम पैटर्न बनाना नहीं सीखते हैं तब तक कुछ भी हमारा अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये वाला ढोल लूँगा। चलिए यही ढोल ले लेते हैं। एक हो गया, दो हो गया, 3-4 स्टेप में हमारा ढोल हो गया। ढोल होने के बाद यहाँ पे हार्ड हिट्स का जैसे यूज करते हैं। पैटर्न तो सबको आता ही होगा बनाने को, अगर नहीं आता होगा तो देखते रहो एकदम। तो अब चलिए यही हार्ट हिट्स ले लेता हूँ 4 स्टेप में। 4 स्टेप में भी हार्ट हिट्स हो गया। और हमें चाहिए हुड का। हुड का मालूम है क्या होता है? तो हुड का होता है ऐसा कुछ, ये वाला हुड का है, हुक बोले तो हुड का कुछ भी। चलो ये हो गया हमारा पैटर्न तैयार। बट अभी बाकी है कुछ मेरे दोस्त। यहाँ पे इसको मारेंगे कट और अब मारेंगे डिलीट, क्योंकि वेस्ट पार्ट को डिलीट करना ही सबसे अच्छा रहता है, नहीं तो महाबेकार हो जाता है। अब देखिए कंट्रोल बी से जितना आगे प्रेस कीजिएगा उतना आगे। अब पैटर्न को थोड़ा सुन लेते हैं। जी एक ऐसा पैटर्न बन गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ढोल है वो महाबेकार है। ढोल को फिर से दूसरा लेंगे। आज पता नहीं क्या हो गया, ढोल ऐसा क्यों आता है मेरे पास। तो यहाँ पे ढोल है, चलो इसी को डाल देते हैं इसमें। चलो हो गया। अभी इसको भी 2-2 स्टेप में डाल देता हूँ सबको अच्छे तरीके से। चलो ऐसा ही कुछ। अब डालेंगे बेस, इसमें बेस डालेंगे। अभी तो हमारा नॉर्मल हो गया। अभी पैटर्न 1 देखिए यहाँ पे सेलेक्ट है और ये हमारा पैटर्न 1 का ओपन हो गया। अभी हम यहाँ पे लिए थे जो नहीं आ रहा है, पैटर्न 2, 1, 1, 2, 3 करेंगे पर भी नहीं है, फिर भी नहीं आ रहा है। हार्मलेस जो हमने लिया था, तो फिर से हार्मलेस को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारा हार्मलेस है, ये हो गया हार्मलेस। चलो ये स्क्रीन रिकॉर्डर जो है थोड़ा सा ढक रहा है, इसको हटा लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर को। अभी यहाँ से प्रीसेट से देखेंगे कौन कौन सा हमारा चाहिए हार्मलेस। तो यहाँ से तो 1 मिनट वेट, मैं खोज लेता हूँ अपना जो बेस यूज करना है। तो थोड़ा सा वीडियो स्किप। तो देखो यार मिल गया जो चाहिए हमें, तो यही चाहिए हमें। अब क्या करेंगे, हार्मलेस को यहाँ पे पैटर्न में देखेंगे, ये रहा। अब क्या करेंगे, जाएंगे सेंड टू पियानो रोल। पहले पियानो रोल नहीं जाएंगे,
अभी करेंगे, पहले यहाँ पे इसका पैटर्न बना लेंगे कुछ इस तरह से। अभी देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे और डाल देंगे यहाँ पे अपना पैटर्न टू में, ट्रैक नंबर 5 पे। हो गया बेस यूज। अभी तो थोड़ा बाकी है मेरे दोस्त। अभी देखिए, अब जाएंगे सेंड टू पियानो रोल। कहाँ गया यार, ये रहा C5 पे। अभी पूरा को सेलेक्ट करके अब बढ़ा देंगे पूरा इतना। अब देखेंगे, अभी नहीं हुआ है। अभी देखेंगे, इसको डिलीट करते हैं एक नीचे कुछ इतना। तो ज़रूरी नहीं है कि यही वाला लेंगे, ये वाला दूसरा कुछ भी ले सकते हैं बेस में। तो यहाँ से देखिए पैटर्न 1 में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। आर्मलेस को लीजिए, यहाँ से दूसरा कुछ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं राइट क्लिक करके और इसमें से क्यों नहीं चूज कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखना पड़ेगा कौन सा है। मुझे इतना पता नहीं कि कौन सा है इसमें, तो यही ले लेते हैं। ये भी एक बेसी है। तो चलो ऐसा कुछ। तो हो गया ये। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारा बेस यूज करने का, मतलब इस तरह से इसका पैटर्न बनाएंगे पियानो में जाकर। अब देखेंगे सुनकर, अभी जाएंगे पैटर्न में फिर से, पैटर्न को ओपन और यहाँ पे पियानो रोल। अब देखिए दूसरा तरीका कैसे है। सेम ऐसे ही रहने देना है, बस एक बीच में कुछ यहाँ पे लगा देना है ऐसे। नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है, साइज उतना ही। चलिए हो गया बेस यूज। तो ये तो बेस के जैसा नहीं लग रहा है, पर आप सोच रहे होंगे क्यों बता रहा है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा कुछ बेस, मतलब कि मुझे वो एग्जैक्ट नहीं मिला कि बेस कौन सा हमें लेना है। तो वाला तो नहीं मिला, पर आपको फॉर एग्जांपल ऐसे ही, मतलब कि मैंने बता दिया कि आपको कैसे बेस को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे दूसरा कुछ ले लीजिए, जैसे कि ये है, इसके जगह पे कुछ और ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये राइट क्लिक लेने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया। अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हैं, दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, बट चेंज भी कर सकते हैं। चलिए यही हो गया, बेस तो बेस ही होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा है वीडियो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।